बात करेंगे आज मोटा भाई की। मोटा भाई हैं मेरे एक दोस्त जिनका जो है वो समझ लें कि वेट 80-90 है, मतलब हम उनको बड़े प्यार से जो है ना मोटा भाई बोलते हैं। अब जो मोटा भाई की स्टोरी है वो आ गए यूके के अंदर जो है वो बैचलर के अंदर। अब बैचलर प्रोग्राम में आपको पता है यहाँ पे फीसें निकालना और इन चीज़ों का बड़ा मुश्किल है। तो शुरू में तो जो है जो मोटा भाई हमारे जो है ना यहाँ पे यूके में आए, जिनके पास आए वो उनकी कोई रिश्तेदार थे, रिलेटिव हैं। तो मोटा भाई के जो घर वाले, उन्होंने बोला भाई इसका मोबाइल लाजमी चेक करना है, कहीं किसी लड़की वाले चक्कर में ना पड़ जाए, कुछ मतलब कि होता ना गलत एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए। तो जो भाई हैं उनका मोबाइल वगैरह चेक करें, बेचारा मोटा भाई को बड़ा तंग करके उन्होंने रखा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो टाइम गुजरता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब उनका कोई वीज़े का सीन, कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब जो है वो मोटे भाई का रिश्ता ढूंढना स्टार्ट हो गया। अब मोटा भाई का रिश्ता भी कोई नहीं मिली। अब उस घर वाले बोले तुम मोटे हो तब तुम्हारा रिश्ता नहीं होता, ये वो चक्कर ना। मोटा भाई को लगा दिए जिम के अंदर। मोटा भाई दिन रात लगाएं जिम जी, बेचारे को काफ़ी स्ट्रेस। उसको खाने का बड़ा शौकीन था, गोश्त बड़ा खाता था, उसे गोश्त भी छुड़वा दिया। मोटा भाई लगे हुए भाई दिन रात जिम पे, सुबह भी जिम रात भी जिम। मोटा भाई 2 हफ्ते बाद ना, 2 महीने बाद बल्कि पहचानने में ना आए, बिल्कुल पतले हो गए जी मोटा भाई। मोटा भाई का पेट बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक है। अब मोटा भाई ने ज़िंदगी में कभी लड़की से बात ही कोई नहीं की थी, कभी कोई फ्रेंड थी नहीं, तो मोटा भाई में कॉन्फिडेंस ही क्या, वो कहाँ से लड़की यहाँ पे लाएँ। रिश्ता ढूंढा, जान बेचान की काफ़ी एफर्ट की, तो कुछ सीन ना बन सका। तो फिर जो है मोटा भाई के जो जो जिनको बोला क्या था भाई आप मोबाइल से चेक करना, वो बोले भाई लड़की ढूंढो ना यार, तुम खुद एफर्ट कुछ करती नहीं हो, जाओ आगे पीछे। अब जिनको मोबाइल चेक करने का बोला था ना, वो खुद 2 महीने बाद 3 महीने बाद मोरक्को का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब समझदार को पता है भाई मोरक्को का चक्कर क्यों लगता है, ठीक। बाकी उन्होंने जो यहाँ पे पेपर्स लिए तो वो भी शादी करके लड़कियों में इन्वॉल्वमेंट करके आगे पीछे शुगर मिल में गए। हम किसी की ज़ातियात पे नहीं बोलते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मोबाइल चेक करने वाले वो हैं जो खुद ऑलरेडी पुराने पापी हैं सारे के सारे, ठीक है। अब मोटा भाई बेचारा खड़े लाइन मोटा भाई को लगा दिया। अब मोटा भाई बेचारा परेशान है, कभी इधर ही मजदूरी करता है, कभी उधर मजदूरी करता है। तो बेचारा बड़े स्कूल जो है ना बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया हुआ है, ठीक है। मोटा भाई को ना वहाँ का छोड़ा है ना यहाँ का छोड़ा है। तो ये चीज़ें हैं भाई, इसलिए जो है ना अपना माइंड यूज़ किया करो। जो आसपास आपके लोग हैं उनको बिल्कुल आप जो है वो अवॉइड करो। वो आपको बोलते हैं ये ना करो वो ना करो, वो सारे काम जो है ना वो करके आए होते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि भाई के अपना माइंड यूज़ करो, खुद जो आपको ठीक लगता है, आप जो अपने बारे में बेहतर सोचते हो वो और कोई नहीं सोचता है, ठीक है ना। इसलिए दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।